नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहे योग पतंजलि गंगागंज के लोगों ने वन माफियाओं से लड़ते हुए न केवल काटे जा रहे पेड़ों पर को बचाने का कार्य किया, बल्कि कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने के लिए आने को प्रेरित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी के लखनऊ के गोसाईगंज में आज पर्यावरण संरक्षण के लिए विशाल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों ने संकल्प लिया है कि पर्यावरण को बचाएंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के लोगों ने प्रतिभागियों को जागरूक कर पौधारोपण उनसे पौधारोपण भी कराया गया, जिसमें युवाओं के साथ साथ छात्र और छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस दौरान समिति के लोगों ने साल भर में अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाने वाले और उनसे सुरक्षा करने वाले लोगों को प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और स्वच्छता की जानकारी देते हुए हमेशा निरोग रहने के लिए योग के गुर भी सिखाए गए। अब से कुमार यादव की रिपोर्ट, लखनऊ। इसमें सर्टिफिकेट और स्वच्छता अभियान चलाओ, योग यज्ञ आयुर्वेद संस्कार वैदिक तक। एक साल में लगभग 6000 पेड़ का रोपण किया, 6000 पेड़ लगाए हैं और उसमें बड़े बड़े जैसे पीपल का और अन्य तरीके के तमाम पेड़ लगाए गए हैं और जिससे पर्यावरण के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और उन किस तरह लोगों को जागरूक किया गया आज के कार्यक्रम में, ये खास रहा है कि सबसे पहले सुबह योग का कार्यक्रम किया गया है। योग के कार्यक्रम में यहाँ पर सहयोगा शिक्षक 61 तैयार किए गए हैं, जो अपने अपने गाँव में जाके नए केंद्र चलाएँगे और वहाँ पे लोगों को आरोग्य करेंगे। कितने वृक्ष लगाए गए लगभग? एक साल में लगभग 6000 वृक्ष हमारे लगाए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।